السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي أمسكوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام वो हल्का यारहाँ तो बरेशम की तरह नरम रज़म हक व बािल हो तो फौलाद है मोमिन तमाम तर तारीफ़ा अल्लाह के लिए और बहुत बहुत उर्दास्लाम सदुल्कौन इमाम कायनत जनाब मोहम्मद सल्ला वसलम की त अबाला के लिए इनतहाई मोहतरम महतशम मक्र मेहमाना ने गामी ने मजलस अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों नौजवान भाइयों परदा नशी इस्लामी माओ और बहनों आज की इस मजलिस में जहाँ हम बैठे हैं और ये प्रोग्राम दार्फ़ला के प्लेटफॉर्म से वक़ूफ़ पज़ीर है तो आज हम जिस मौजू पर गुफ्त शनीद करेंगे वो गुफ्तु अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम के चेहरा अतहर की ज़ियारत करने वाली वो ईमान वाली हस्तियां हैं कि जिनकी शान जा बजा हमें क़ुरान में भी नज़र आती है और मदीने वाले के फरमान में भी नज़र आती है इमाम कौन आल सलाम का फरमान है कि क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह आवाज़ लगाएँगे ये मुस्लिम शरीफ में है हदीस आन मुताबू ना फ़िया अलाली अलयम उ जिल्लू हम फ़ीजुल्ली इसमें अर्श का तज़करा नहीं है वो लोग कहाँ हैं जो सिर्फ़ मेरी वजह से किसी से महब्बत करते थे आज मैं अल्लाह अल यौम उजिल्लुहुम फी जिल्ली यौम ला जिल्ला इल्ला जिल्ली आज मैं उन्हें अपना साया दूंगा क्योंकि आज मेरे साये के अलावा कोई साया नहीं बाज़ अहादीस हैं जिनमें अर्श का भी तज़करा है कि सबातुं युज़िल्लुहुमुल्लाह फ़ी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्ला इल्ला उसकी फिर तफसीर में कहा जाता है चूंकि हु है तो ये हु की जमीर अरश की तरफ है यहाँ मुतकल का सीखा है कि अलयोम उजिली ये एज़ाज़ की बात है तो मैं किन को ये दूँगा जो मेरे जलाल की वजह से मेरी वजह से किसी से महब्बत करते थे आप सबको मालूम है कि ये बात हम तक पहुँचाई किसने है हज़रत रसूल सल्ला वम के ने सबसे पहले सुनी किसने इमाम कौन है के सिहाबा ने फिर एक हदीस है कि के फूतीहत योमल खमीस व योमल इफ्नयन के जन्नत के दरवाजे हर सोमवार और हर जुमे रात को खोले जाते हैं फयफुल आब दिन मायू ही सैया इन दोनों दिनों में जन्नत के दरवाज़े खोल के उन लोगों को मुआफ़ किया जाता है जो शिरक नहीं करते और उन्हें मुआफ़ किया जाता है जो अल्लाह की वजह से एक दूसरे से महब्बत करते ज़ाती मुफादात नहीं दुकानदारी नहीं मुलाज़मत नहीं रिश्तेदारी नहीं अल्लाह के लिए मैं आपको नहीं जानता हूँ आप मुझे नहीं जानते हैं मेरी आपसे रिश्तेदारी नहीं है आपकी मेरे साथ रिश्तेदारी नहीं है हम किसी नाम पे तो यहाँ बैठे हैं ना? वो नाम किसका है अल्लाह शरीक का तो इस नाम पे बैठने वालों को जन्नत के दाखले के सर्टिफिकेट अता कर दिए जाते हैं व इल्ला कानत बीना हुआ बीना ही शहना उन लोगों को जन्नत में दाखिल नहीं किया जाता जिनके दिलों में अपने अजीज़ व अकरबा रिश्तेदारों भाइयों के बारे मैल कुचैल होती है और अल्लाह फरमाते हैं झूरू हत्ता निहत् युस्ा उनूरू अलाहाई हत्ता युस्ा इनको देखो कि ये कब अपने दिलों को साफ करते हैं जो ही ये दिलों को साफ कर लें तो तुम इनको जन्नत की लिस्ट में शामिल कर लो ये बात भी सबसे पहले किसने सुनी इमाम कौनैन से किसने सुनी हज़रत महमदर रसूल अल्लासम से ली किसने और सहाबा वो रजवानल मजमाइन लेबॉर्ट्री हैं कि जो अल्लाह के रसूल की बात पे फौरी अमल करके कायनात को नतीजा देते हैं कि इस पे अमल करने से नतीजा मिलता है हमें नतज क्यों नहीं मिल रहे कि हमने अभी तक अमल ही नहीं किए हम डरते हैं कि पीर कामिल है कि यकीन कामिल है पता नहीं ऐसे करेंगे तो पता नहीं नतीजा मिलेगा कहीं रिस्पांस आएगा कि नहीं ये बात पे अमल करते थे और इन्हें रिस्पांस आता था ये नतीजा कायनात के सामने रखते थे कि रब के रस्ते में सब कुछ दे दिया जाए ना तो बंदा भूखा नहीं मरता वो नहीं मरते थे उन्हें मालूम था कि अल्लाह की जात पे यकीन करके मैदान में बगैर हथियार के भी बंदा उतरे अल्लाह कामयाबी देता है वो उतरते थे तो उन्हें कामयाबियां मिलती थी उन्हें मालूम था कि दिल साफ करने से जन्नत के सर्टिफिकेट आते हैं उन्हें दुनिया की जिंदगी में जन्नत के सर्टिफिकेट आते थे मिलते थे सबसे पहले उन्होंने ये बातें सुनी एक और हदीस है हज़रत रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा ये तिर्मिज़ी में भी है अबू दाऊद में भी है सही है सनद इसकी गौर फरमाएं, फरमाए इन इबादिल इस मखलूक में से अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे हैं माह अम्बिया ना तो वो नबी हैं ना ही शहीद हैं अम्बिया व शुहदा बिमकानी मिनल्ला उनका मकान मरतबा अल्लाह के यहाँ देख के नबी भी रशे करेंगे शहीद भी रशे करेंगे नबी भी रशा करेंगे शहीद भी रशे करेंगे और अल्लाह ते अरश के दाई जानब खसूसी सीटों पर उनको जगह आता फरमाएंगे वकील ताराफाई नहीं अल्लाह की तो दोनों साड़े दाई हैं इस हदीस में यह तस्करा है लेकिन उन्हें अल्लाह खास एजाज से नवाजते हुए अरश की दाई जानब खास कुर्सियों और नशिस्तों पर बिठाएंगे एक आबी कहने लगे सिर्फ हम लना या रसूल अल्लाह ए अल्लाह के रसूल उनका वसफ बयान फरमाए उनकी निशानी वो करेंगे क्या फरमायालमता ही मिन गईन वम वाल ये वो लोग हैं कि जिनके दरमियान रिश्तेदारियाँ नहीं हैं तजारती लेन देन नहीं है बस ऐसे ही पता चला कि ये बंदा अल्लाह को उसके रसूल को मानने वाला है उससे मुहब्बत शुरू कर देते भाई जमाती साथी ये अजिलाह तुम तो कसरत न सुनी होगी कि ये जमाती साथी ये अजिलाह इस इसका तर्जुमा है हदीस मैं जो कर रहा हूँ आपके सामने इसी बुनियाद पे पर मेरे मसलक का है अल्लाह को मानने वाला है अल्लाह के हबीब को मानने वाला है सहाबा की अजमत को कल्बो जिगर में जगह देने वाला है चौदहवीं पंद्रवीं सदी में ये हदीस के मैं आप एक दूसरे के बारे दिल साफ कर लेते हैं जिनसे ये बात हम तक पहुंची है उनके दिलों का आलिम क्या होगा सबसे पहले पैगंबर की आवाज जिन कानों से टकराती थी वो कान मेरे सहाबा के होते थे और सबसे पहले रसूल की बात को काला रसूल्ला का जो जामा पहनाते थे वो मेरे मोहम्मद के सिहाबा होते थे सल्लल्लाहु हो अलैहि वसल्लम सताए गए मक्के से निकाले गए निकले बच्चे कुर्बान हुए कोई मसला नहीं माल घर बार हर शह पक्की पक्की दे दी हाल ये है कि उम्र फरूक रजियाल्लाजरत बिन जरार रजी की तरफ चार दिनार भेजे कि गुरबत का आलम है और कई दिन है गवर्नर के घर में खाना नहीं पका और आमिल को भेजा जाओ देख के आओ के अपने घर की जरूरत पूरी करे आमिल वापस आया और आके कहा मीर उलमोमिन मैं चार सौ दिनार लेके गया मेरे खड़े खड़े उबैदा ने महल्ले के गरीबों में तकसीम कर दी रोहाओ बी हो हल्का ही तो बरेशम की तरह नर्म रजम हक को बातिल हो तो फौलाद फरमाने लगे इमाम कौन है ये जो मक्का से आपकी खातर यहां आए हैं ना अब ये घर हमारे नहीं रहे ये इनके हो गए हमारे घर के मालिक आप हैं ये हैं पूरे मदीने का सरदार हूं मैं मेरी पगड़ी आपके कदमों में हाजिर है हदीस के जुमले इमामे कौन है सब कुछ आपका है हमें भी अब आप देंगे ये सब कुछ आपका है हमें भी अब मेरा जो मकान है मैं किसी को दे दूं उसे को भी देना है तो दे दो अब तेरा के रसूल आधा नहीं तीसरा हिस्सा सारा आपका है जिस तरह मक्के के लोगों को आप देंगे ना इस तरह मदीने के लोगों को भी आप देंगे अब ये इनके नहीं रहे अब ये हमारे नहीं रहे ये आपका है। और अल्लाह की कसम है मेरे हबीब जिसके हाथ में जिसके कब्जे में हमारी जाने हैं अल्लाह की कसम है हजरत उबादा फरमाते हैं ए इमाम कौन है आप जो रख लेंगे ना हमें वो ज्यादा अच्छा लगेगा बनिस्बत उस जो आप हमें पलटा देंगे जो आप हमें वापस कर देंगे जेड़ा तो वापस करोगे वह सानू एडा चंगा नहीं लगेगा जेडा रखोगे वह सानू ज्यादा अच्छा लगेगा हमें उस उसमें ज्यादा खुशी होगी जो तुम अपने पास रोक लोगे अपने पास रख लोगे ये बीवियां तलाकें देते हैं दोनों को जो अच्छी होगी ये रखें दूसरी से हम बाद में रजू करेंगे आप फैसला करेंगे ये मालो मलाल आपका है। आज फजा को मसमूम किया जाता है सिहाबाकर रिजवान के दरमियान होने वाली मोहब्बत भरे अख्तिलाफ को हवा दी जाती है और यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि पता नहीं सारी जिंदगी की आपस में लड़ते झगड़ते रहे तो ऐसे आलम में बहुत जरूरी है कि ममलकत पाकिस्तान में मोहब्बत की फजा को आम करने के लिए ये बात पेश की जाए कि आपस में मोहब्बत करना चाहते हो तो सहाबा से आई हुई हदीस पे अमल करना है सिहाबा की जिंदगियों पे अमल करना है और सबसे पहले इमाम कौनैन की हदीस पे अमल करने वाले ये लोग और अमल किस तरह करना है पैरामीटर बना दिए अल्लाह ने फाइन आ मानू भी मुस्लिम फकदो और हदीस है ये मुस्लिम शरीफ की लात दु खुलजन्ना हत मीनू तुम जब तक साहेब ईमान न हो जाओ तुम जन्नत में नहीं जा सकते वो ला तुमू हतहा अब तुम ईमान नहीं ला सकते जब तक आपस में मोहब्बत ना करो जिसे सर कटाना आता है उसे मोहब्बत नहीं करनी आती जिसे जिसे बच्चे देने आते हैं उसे प्यार नहीं करना आता जिसे माल आता माल है उसे अपने बच्चों की कुर्बानी भी देनी आती है उसे मां बाप को छोड़ना भी आता है घर बार को खैर बात कहना भी आता है वो पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ सकता है वो कई की महीने भूख प्यास की शिद्दत से बर्दाश्त कर सकता है एक एक खजूर पे हफ्ता हफ्ता गुजार सकता है पूरा पूरा बाग जन्नत की एक खजूर का सुन के अल्लाह के रस्ते वक्फ कर सकता है वो मोहब्बत भी कर सकता है वो प्यार भी कर सकता है जिसे मुश्किल में काम आना आता है वो आसानी में भी काम आ सकता है हजरत सादी सी मिसाल आपको समझा दूं, जो रोजाना आपको मटन खिला सकता है ना उसका इम्तिहान ना लेना दाल माश पे वो आपको दाल माश भी खिला सकता है सबसे पहला गिरो इमाम कौन एन जनाबे मोहम्मद वसल्लम की बातों को सुनने वाला और दीन का गवाह गिरो, ईमान का शाहिद गिरो, कफा गिरोहीदा अल्लाह काफी है दुनिया नहीं गवाही देती तो ना दे दुनिया नहीं मानती तो ना माने कफा बिल्लाही शहीदा। अकेले एक अल्लाह की गवाहियां काफी हैं मोहम्मद इससे पिछली आयत का टुकड़ा साथ मिलाएं अल्लाह अकेले की गवाही काफी है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है जो इन पे ईमान लाए वो काफिरों के लिए सख्त हैं, बाहिम नरम है शीर शकर है मोहब्बत की फजा है प्यार की वादी है अकीदत का मजहर है एहतराम है रख रखाव है एक दूसरे के साथ अकीदत है अल्तफात है बाहमी कल्बो जिगर के अंदर एक दूसरे को कबूल करने का मादा के आसमानों से वही आई

जिस तरह एक खेती करने वाला गोडी करता है फसल नरम करता है और फिर उसके अंदर बीज डालता है इर्द गिर्द की फसलें तबाह हो जाती हैं इसकी मेहनत रंग लाती है फसल फसलती है योजी जिसने मेहनत की होती है ना उसको फिर खुशियां होती हैं मुल्को फार और इस फसल को हरा भरा देख के अगर किसी के पेट में मरोड़ उठता है वो को काफिर तो हो सकता है कुरान कहता है ईमान वाला नहीं हो सकता योजी खेती जिसने की उसकी खुशी अम्मी आयशा अफीफा का हरम की पगड़ी की बेटी ईमान वालों की मां आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती कि आखिरी लमहे थे इमाम कौन है नढाल थे कमजोरी थी जिसमें मुबारक में और आप अपना सर मेरे मेरी गोद में रखे हुए नमाज का वक्त हुआ तो हजरत ने पर्दा साइड पे किया और नमाज में देखा कि सब गिरो अल्लाह के सामने कर रहा है सफा ना सफा कदम, से कदम। मरसूस। ये ये एक दूसरे को मजबूत करने वालों का गिरो ऐसे सीसा बन के खड़ा और अल्लाह के ने उस मौके पर आसमान की तरफ चेहरा मुबारक उठा के कहा अल्लाह महल अल्लाह महलबल अल्लाह महल बल्लभ ए अल्लाह ये सब कुछ छोड़ के हर किस्म का इख्तिलाफ मिटा के जो छोटी छोटी चीज पे लड़ते थे आज तेरी निदा पे तेरे दरबार पे आ गए हैं गवाह हो जा मैं मोहम्मद ने तेरे दीन को मुकम्मल कर दिया एक हिज्जतुल विदा के मौके पे कहा आरिक एक वफात से चंद दिन पहले फरमाया हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ए अल्लाह मैंने जो मेहनत की थी ना वो रंग ले आई है किस चीज को पैगंबर ने रब के दरबार में पेश किया सिहाबा की इत्तेफाक इत्तेहाद से बनी हुई सफों को जो नमाज के लिए खुदा के सामने सजदा रेज़ हो रही थी ये मोहब्बत ये प्यार जिस वलबले से तेरे सामने खड़े अरे अल्लाह मैं खुशी महसूस कर रहा हूं यह हदीस है मेरे सिहाबा मेरे जाने पे परेशानी ना करना मैं खुशी महसूस कर रहा हूं कि मैं जा रहा हूं और मेरे सामने मेरी उम्मत खुदा के दिन को मजबूती से थामे हुए है मेरे सहाबा ये बहुत बड़ी आजमाइश है कि कोई नबी दुनिया से जाए अपनी कौम से नाराज हो के और उसकी कौम उसके सामने का अल्लाह के एहताब का शिकार हो जाए तुम खुश नसीब हो तुम्हारे ऊपर ये रब का एहसान है कि अल्लाह मुझे ले जा रहा है और तुम मुझ मोहम्मद के दीन को मजबूती से पकड़े हुए हो तुमने हर किस्म की बाहमी तो इख्तिलाफ़ छोड़ दिए और तुम सब एक मरकज की तरफ आके एक हो गए और तुम्हारा मकसद अब सिर्फ या अल्लाह है या काला रसूल है कोई और मकसद नहीं सिर्फ एक मकसद है और इस एक मकसद के लिए सभी क्या हुए एक हुए हजरत खालिद इबिन वली रज़ी अल्लाह तम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आलम इस्लाम के सबसे बड़े बहादुरों सबसे बड़े जान निसारों के सिपा सलार हैं अमीर उमोन की तरफ से पैगाम आता है और जो पैगाम दे रहा वो सपाई है सपाई है और कहा आप नीचे आए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में जर्नैल में आए नीचे एक अजनबी ने कहा जो फौज में शामिल हुआ था ये क्या इतनी बड़ी पोस्ट से एक छोटे से बंदे के रुका लाने पे, फरमाया जब हम जर्नैल होते हैं तब भी उसके लिए लड़ते हैं जब सपाही होते हैं तब भी उसके लिए लड़ते हैं। और जब जिंदगियां उसके लिए कर दी हैं तो बहमी लड़ाइयां एक तबका है जो शौक से नाउज बिल्ला अपने ईमान का सौदा करते हुए उन वाकयात को हवा देता है जो इंसान होने के नाते से हजरा से सिबा इक्राम रिजवान के दरमियान वह पजीर हो गए और हमें यह कहा अम सिकू और अपनी जुबा रोको और हमें किसने कहा इमाम कौन है जनाबे मोहम्मद रसूल ने इजाजु की रा सिकू जब मेरे सिहाबा का तस्करा हो बस करो फिर रुक जाओ अगरचे मगरचे चूंके चनाचे नहीं फिर तमाम तरतवो इन्ह के साथ तुम वकफ कर दो उस तजकर खैर के लिए जो उन्होंने मेरी खिदमत करते हुए अंजाम दिया तुम्हारे इम्तिहान ईमान का इम्तिहान है कि जब तुम किसी मजलस में बैठो और वहां मेरे सहाबा का तजकरा हो अपने आप को रोक लो अपने आप को ठहरा लो वकफ कर दो अपने आप को और फिर मैं अगर आपसे मोहब्बत करूं आप मुझसे मोहब्बत करें गारंटी रसूल देता है कि अल्लाह अपना साया आता फरमाए अल्लाह दाई साइड पे जगह दे और हदीस के अगले जुमले जो मैं तिरमजी और अबू दाऊद शरीफ की हदीस आपके सामने रख रहा था व इन वजूहहुम लनूर व इनहुम अला मनाबिर नूर उनके चेहरे नूर से भरे हुए और अल्लाह उन्हें नूर के मिंबरों पे बिठाएगा नूर के मिंबरों पे बिठाएगा किस बुनियाद पे किस बुनियाद पे किस वजह से आगे आगे। किस सब से दे दे दे। कि ये लोग अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे मैं आप एक दूसरे से मोहब्बत करें यकीन है कि अल्लाह ये मुकाम अता फरमाएंगे और अल्लाह अगर मुझे आपको हज़रा सहाबा से मोहब्बत की तोफीक दे दे मेरे घर के अंदर मेरे बच्चों के दिल में मेरे सहाबा की मोहब्बत आ जाए मेरे रसूल के सहाबा की मोहब्बत आ जाए अल्लाह कितनी इज्जतें अता फरमाएंगे इतनी इज्जतें अता फरमाएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है इरशाद फरमाया है कि लो बो बवा हो जाओ जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है ना अल्लाह सर्टिफिकेट देंगे जा मैं खुदा भी तुझसे मोहब्बत करता हूं मैं खुदा भी तुझसे मोहब्बत करता हूं तुम मेरे मोहम्मद के साथियों यारों से वफा करता है मैं खुदा तेरे से वफा करूंगा तू मेरे मोहम्मद के साथियों से प्यार करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आज के बाद तू तो मेरा प्यारा हो गया और खुदा का प्यारा होने के लिए ये सारी जिंदगी वक्फ करके बैठे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाइयों में आवाज देते आ जाते दिन को बुलाते आ जाते आप इनकी जिंदगियों का मुताला करें के घर के अंदर शादी है रसूल ने बुलाया है आए हैं घर के अंदर मैयत है रसूल ने बुलाया है आए हैं आजीबुल्लासूल

अन्हो के हवाला से अमीर हज़रतम रजी अन्हो के हवाला से शाम का किसी का इनकार नहीं हजरत अलीजा ताला अन्हो से पूछा गया ये आहले तशैयों की कुतब से बाज हवाला जात है कि हजरत अली रजी अल्लाह तहो से सवाल हुआ कि आप बतलाएं कि पैगंबर आलही सलात के बाद दुनिया का सबसे अजीम तरीन इंसान कौन है तो हमारा भी हक बनता है कि जिससे अली अलमरतजा मोहब्बत का दरस दें उससे मोहब्बत की जाए जिससे हजरत अली अलमरतजा कोफा के मेंबर पर बैठ के कोफा के मेंबर पर बैठ के लोगो मुझसे यह सवाल हुआ है कि इमाम कौनैन के बाद कायनात का, का अफजल तरीन इंसान कौन है तो लोगों को जमा करो हजरत इबन वास रजियान फरमाते हजरत मालिक इस हदीस के रावी है कि उन्होंने कहा हजरत अली अलमुर्तजा रजिया त अबूदरीफ में हदीस है से भी मैं दो हवाले आपके सामने रख रहा हूँ कि अमीर उलमोमी लोगों ने मशहूर किया हुआ कि अल्लाह के रसूल ने कुछ खास बातें आपको बतलाई थी तो उससे फिर अपनी मर्जी से लोग इस्तलाल करते हैं कोई कहता है ये बताई थी कोई कहता है ये बताई थी फरमाया लोगों को इकट्ठा करो मैं लोगों को बताता हूं कि मुझे अल्लाह के रसूल ने क्या बतलाया था और मैंने यह भी सुना है कि लोग मुझको अबू बकर से अफजल कहते हैं और मुझे उमर से अफजल बताते हैं और मुझसे यह सवाल भी हुआ है कि इमाम कौन एन के बाद दुनिया का अफजल तरीन इंसान कौन अल्लाह के रसूल के सहाबा में से और लोग मुझे सिहाबा में से सबसे बड़ा बहादुर भी कहते हैं के लोगों मैं अली तुमसे पूछता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से सबसे बहादुर कौन था तो सबने कहा आप थे फरमाया नहीं तुम गलत कहते हो मेरे मोहम्मद के सहाबा में से सबसे बढ़ के कोई बहादुर था तो अबू बकर थे हमें तो तुम आम काफरों से लड़ते हुए देखते थे अबू बकर मेरे रसूल की पहरेदारी पे खड़े होते और कुफर की सारी ताकत रसूल की तरफ होती थी कि इस को की की कोशिश जाए और जब हम वापस हम वापस पलटते बड़े काफिरों को इस बड़ी हस्ती के गर्द गिरा हुआ देखते थे जहां हमारे इरादे और हौसले पस्त हो जाते उस जगह पे मुर्तजा रजी अल्लाह फरमाते अबू बकर रजी अल्लाह ताला इतनी मजबूती से मैदान में उतरते कि उनको देख के फिर हम भी हौसला पकड़ा करते थे रोहामा उबई न होम ये तो एक दूसरे की तारीफें बयान करते थे लोगो ये रिजाले कशी है किताब और उसका सफा नंबर तीन सौ अठत्ती है सुनो अल्लाह की कसम इमाम कौनैन के सिहाबा में से सबसे अफजल तरीन अगर कोई इंसान था तो वो अबू बकर थे रजी अल्लाह त सुम्मा उमर फिर उमर थे वह इन्ना मकाना हुमा फिल इस्लामी इन दोनों का मुकाम और मर्तबा इस्लाम में ऐसा है कि इन दोनों के मर्तबे और मुकाम के कोई पाए पासक नहीं और सुनो मैं अदालते अलवी हजरत अली रजी तूफा के मेंबर में बैठ के कानून बना रहे हैं आज हम उम्मत मुसलमान को कहते हैं जनाबेजा रजी अल्लाह कानून की पासदारी की जाए अगर अली रजी अल्लाह तुम से मोहब्बत है तो उनकी बात का अहतराम किया जाए अगर आइंदा के बाद मैंने सुना कि किसी शख्स ने मुझको अबू बकर से अफजल कहा है यू फजीलो नहीं अला अबी बकर औमर किसी ने मुझे अबू बकर से अफजल कहा या उमर से अफजल कहा इलाजल मुफ्तारी कजाब होने की तहमत साबित होने पर उसने यह झूठ बोला है और यह उसने गुना किया एक इल्जाम तराश है कि उसने मुझे अबू बकर से अफजल कहा है या उमर से अफजल कहा है मैं उसको कजाब होने की तहमत में अस्सी कोड़ों की सजा सुनाता हूं और आईंदा अगर तुम किसी को सुनो कि वो ये बात कह रहा है उसे मेरे पास लाया जाए उसे अदालत से ये सजा सुनाई जाएगी और आइंदा के बाद कुफा की अदालत का यह निजाम और कानून हिस्सा है ये एक दूसरे की इज्जत करने वाले एक दूसरे का एहतराम रख रखाओ वजादारी फरमाया लोगों ने ये भी बात चला रखी है कि मैं को नाराज था जब अबकर सिद्दीक रजी तुम की बैत हुई और मेरे दिल में कोई बात थी लोगों सुनो अगर आज आ गए हो इकट्ठे हो गए हो तो मैं तुम्हारे सामने ये बात रखता हूं हजरत अली रजी तुम की ये इबारत सुने और देखें कि कितने सारे आपके मसाइल होते हैं पहली इबारत ये इनकी किताब है नहजुल बलागा आपने सुना है कि ये याली रजी ये ईरान से नुस्खा मिस्र का मतबू है ये मुजतहद है इबन हसम उनकी है ये सफा नंबर चार सौ छत्तीस छियासी और जो इकती हज़रतली रजी अल्लाह खुतबात हैं ये उन खुतबात में हज़रतली रजी अल्लाह तार की वो तकारीर जमा की गई हैं जो उन्होंने जंग के मौक़ों पर इर्शाद फरमाई या जुमा के खुतबों में कोफा के मम्बर पर इर्शाद फरमाई उसी खुतबे का एक इकतेबास है कि हमीर उलमोमिनली अ सलाम अन्ना हु कातबा इलामआविया हज़रत अली रजी ने हज़रत मीर मुआवी रजी तनों की तरफ खत लिखा इन इजतबा मीनिम आवानन अल्लाह मुसलमानों में से कुछ खास मददगार चुने अल्लाह ने मददगार चुने अपने दीन के व्यदी और अल्लाह ने उनके जरिए से इस्लाम की मदद फरमाई हमारी मदद फरमाई, मदीने वाले मोहम्मद की मदद फरमायी सोलम नजदीक हर किसी का मुकाम है जिसने मोहम्मद रसुल्ला का कलमा पढ़ा यह जुमला सुने कितने मसायल हल कर रहा है कि जिसने भी कलमा पढ़ा और अल्लाह ने उसे चुना अली के दिल में उसकी शान है जिसने उसका मुखाम है कि उसे अल्लाह ने पैगंबर की सोहबत आता पैगंबर की आता फरमाई लिखा किसकी तरफ जा रहा है अमूमी तौर पर हमारे भाई जब हम अपनी किताबों से हवाला देते हैं तो हल्की सी सुस्ती का शिकार हो जाते हैं भाई हमारी किताबों में तो ये सब कुछ है हम तो मानते तो मैंने बहुत सारे अपने ऐसे अहबाब को यह शाय कर हमने तकसीम किए और कहा कि दे अल्लाह कई लोगों की सदी के दोस्त के बारे साफ हो जाए अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे अगर मेरी आपकी कावज से किसी का दिल से हब्बा के बारे में इतनी इज्जतें अता फरमाएंगे अगर उसकी वजह आप बन जाए मैं बन जाऊं ये प्रोग्राम बन जाए इस प्रोग्राम के करवाने वाले बन जाए के आपस में दिल साफ हो जाए अल्लाह खुश हो जाएगा अल्लाह राजी हो जाएगा अमीरे मुआविया रजी की तरफ लिखा। बतलाने का मकसद ये था कि आ, मुआविया तो भी का है। और अली के दिल में तेरी भी कदर है अली के दिल में तेरा भी एहतराम है और आगे सुने इस्लामी सबकी फजीलतें हैं लेकिन यह बात मैं जरूर करूंगा कुछ फजीलतें ऐसी हैं जो बहुत खास हैं बहुत खास हैं वाली रसूली और ये मैं नसीहत करूंगा अल्लाह के दीन के लिए रसूल की महब्बत में तुम्हें भी कि उन फजीलतों का कोई हम पल्ला नहीं है अल सुम्मा ख़लीफ़तुल खलीफतुलफारूक सबसे बड़ी फजीलत अबू बकर की है मुआविया और उसके बाद सबसे बड़ी फजीलत उमर की है मेरे दिल में सबकी फजीलतें हैं सबसे मोहब्बत है लेकिन जो मुकाम मेरे दिल में अबू बकर का है वो सबसे आला है। सुम्मा उमर, उसके बाद उमर वाला उमरी मेरी उमर कुर्बान मेरी उमर कुर्बान इन्ना हुमा फिल इस्लाम इस्लामी अजीम इन दोनों का मुकाम इस्लाम में सबसे बड़ा है वह इन मा फिल इस्लाम जरुन शदीद उन इस्लाम में सबसे ज्यादा दुख इन दोनों ने उठाए हैं सबसे ज्यादा तकलीफें इन्होंने उठाई हैं रसूल की चौखट की सबसे बड़ के पहरादारी इन्होंने दी है जुमला किसके जनाबे अली रजियाल तसन्न मुजत इबन हसन बहरानी और ये किताब हजरत अली रजी अल्लाह तुतबात हैं और ये ऐरान से भी शाए हुए और मिसर से भी शाये हुए और तशैयों के मकत फिक्र के अंदर तदरीस की जाती है बतौरे तहफीज इन्हें पढ़ाया जाता है याद करवाया जाता है फिर फरमाया यरहम हम अल्लाह व जजा हम भी आहसानी अमाला अल्लाह इन दोनों पे रहमत फरमाए अल्लाह इन पे करम फरमाए अली जी ने दुआएं दे उनको बद देने वाला अली के मानने वाला हो सकता नहीं आज हम सारे ये ऐलान करते हैं कि हम अली के मानने वाले रजी अल्लाह तआला अन और उन्हीं के कहने पे उन्हीं के फरमाने पे कहते हैं अल्लाह अरबों खरबों बेशुमार रमते भेज दे जनाब अबू बकर सिद्दीक पे जनाब उमर फारूक पे उनाब उस्मान पे जनाब अली अल रजी तजा हम भी आहसानिया माला उनके खूबसूरत आमाल की जजा अल्लाह ही दे सकता है और हम दुआ ही कर सकते हैं ए अल्लाह इन दोनों हस्तियों को इस्लाम की खदाम के इवज में बेहतरीन बदलाता फरमा फिर फरमाया ये नहजुल बलागा महमूद तयालसी की है ये भी इन्हीं की कि किताब से एक इबारत है इसके बाद फिर मैं मौजू को आगे चलाने लगा हूं इसको भी गौर से सुने और ये भी आपके कई मसाइल हल करेगी और जो नौजवानों के जहन में बेचैनी कुछ इफ्तरा परदाजों ने डाली हुई है कुछ यूट्यूबरों ने और वो गुनाह करवाते शौरी और लाशौरी तौर पे सिहाबा की लड़ाई को डिस्कस करके दिल के अंदर नफरत पैदा करते हैं और मैं अल्लाह की कसम ये खुदा की कसम उठा के कहता हूं अगर किसी शख्स के दिल में से हबा का बुग भर दिया जाए तो वो ना अल्लाह का हो सकता है ना अल्लाह के रसूल का हो सकता है ना वो कुरान के करीब आ सकता है ना मेरे मोहम्मद के फरमान के करीब आ सकता है वो कुरान के करीब कब आएगा वो पैगंबर के फरमान के करीब कब आएगा जब वो उन लोगों के करीब लाया जाएगा जिनके जरिए से कुरान हम तक आया है मदीने वाले का फरमान हम तक है। जब उनकी इज्जत दाव पे लग जाएगी ना वो किसी की नज़र में नाउस बिल्ला गलत बना दिए जाएंगे फिर कुरान पे हमला करना भी आसान हो जाएगा मदीने वाले के फरमान पे हमला करना भी आसान हो जाएगा इसलिए कुरान और हदीस पे हमला करने से पहले जरूरी है कि इसके रावियों पे हमला किया जाए उनकी जातों पे हमला किया जाए उनके नफूस पे हमला किया जाए उनके ईमान पे नाउज़ बिल्ला हमला किया जाए तो अल्लाह हमारी ये ड्यूटी लगाई है हमारी ये जिम्मेदारी लगाई है और ये इंतहाई जरूरी और वक्त का तकाजा है कि इफरात और तफरीद से पाक किसी को बुरा कहे बगैर मोहब्बत के साथ अपना पैगाम दलील की रोशनी में लोगों के सामने रखा जाए और अल्लाह के फजल से इसे अल्लाह शरफ कबूलियत नवाजते हैं और ये लोगों की असलाह का जरिया बनता है और ये हमारा स्टेज अहल हदीस का जिम्मेदार मसल की तसब से बाला तर हो किसी से असबियत नहीं रखता हम तो काफिर की भी खैर खाई की दावत देते हैं हम तो गैर मुस्लम की भी खैर खाई की दावत देते हैं अल्लाह के रसूल क्या फरमाते थे असलीमू तू ओ इस्लाम इसलिए कबूल करो कि तुम्हारे लिए इसमें सलामती ही सलामती तो सलामती की तरफ हम सलामती से बुलाते हैं मोहब्बत से बुलाते हैं इस इबारत को सुने देख कितने सारे मसाइल हल होते हैं लोगों ने यह भी मेरे बारे में बात चला रखी है कि मैं जब अकबर की खिलाफत की बात हुई और बैत की बात हुई तो मैं नाराज था व गज़िबा आली फीबई अति अबी बकर मेरे बारे में आरूफ कर रखी है बात कुछ लोगों ने मेरे तक पहुंची है वकाल माहिब तू मशवरा जब अल्लाह के रसूल सल्ह दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत अली रजी अल्लाह तरह में बैठ गए और हजरत अबकर सिद्दीक रजी अल्लाह तकीफा बनी सहायदा चले गए एतराज करने वाला एतराज करता है कि इनको बैध की पड़ गई जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब घर अली अल मुर्तजा रजी जनाबीत रजियाल का था और बनो हाशिम के कुछ लोग वहां जमा हो गए हम हजरत अली रजी अल्लाह पे करने वाले को भी बुरा कहते हैं और हजरत पे राज करने वाले को भी बुरा कहते हैं हम इन तमाम सहाबा की इज्जत की जंग लड़ रहे हैं इन सब की चौखट पे पहरा दिया जाएगा इनकी चौखट पे इनकी नस्लों की इनकी इन आल औलाद की इज्जत और इन सिहाबा कर रिजवान की नमोज पे फरमाया कि जब आली रजी अल्लाह फरमाया कि जब हजरत अबकर सिद्दीक की बैत हुई तो वह आनन फानन हो गया ना अल्लाह की तरफ से अचानक एक मसाला था उस बैत के अंदर मुझे शरीक होने के लिए दावत न दी गई इतने बेहतरीन काम के अंदर मुझे दावत न दी गई मैं इस वजह से नाराज हुआ मैं नाराज हुआ इतनी बात मशहूर कर दी गई मैं नाराज इसलिए हुआ कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया मुझे क्यों दावत ना दी गई वह इन्ना लाना हा बकर ज़मीर खिलाफत की तरफ है अगर हमसे कोई पूछे मैं नहीं मेरे पूरे घर वालों के नजदीक लाना रहा जमा का सी है। हम सारे अला वजह बसीरत यह यकीन रखते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद अगर कोई खिलाफत कहा कर रखता था तो वो अबू बकर ही थे रजी अल्लाह अन वह इन्ना साहब उन व आयिन वो अल्लाह के रसूल के साथी थे वो अल्लाह के रसूल के मददगार थे व इन्ना नारिफिलासन्ना के रसूल के साथ उनकी उम्र गुजरी वह अमर बतूल ने उनको उस वक्त नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया लोगों को मुसल्ले के ऊपर खड़ा किया खड़ा करें कोई दूसरा आप सल्ला के बाद उस मसल पर किसी और को खड़ा कर सकता नहीं शराजुल आलसी की फहान से छपी हुई हजरत अली रजी तहबत सिद्दीकी पे खुतबा फरमा रहे लोगो मैं तुम्हारे सामने शान सिद्दीकी रखता हूं और मैं मोहब्बत सिद्दीकी रखता हूं और मोहब्बत फारूकी रखता हूं अगर तुमसे पूछो अबू बकर के बारे और अगर तुम मुझसे पूछो उमर के बारे उनकी खिलाफत के बारे फरमाया कि अल्लाह ताला इन पे रहम करे अल्लाह मेहरबानियां करे जिस तरह इन्होंने अमूर ममलकत खिलाफत के चलाए जिस तरह इस्लाम को इनके दौर के अंदर नुसरत मिली कामयाबी मिली और वसअत मिली और अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें उतरें और अल्लाह की तरफ से करम आया ये इन्हीं दो का खासा है इन दोनों के बाद हमारे से कुछ कमजोरियां सरजद हो गई हज़रत अली रजी अल्लाह रजील्ला तरमाते लोगो सबसे ज्यादा अगर खिदमांत हैं अबू बकर की हैं उमर की हैं ये जो प्रोपा करने वाले हैं इनको बतला दिया जाए कि सबसे बढ़ के सब मुकाम उन्हीं का था और हमारी नजात इसी में हजरत अली रजी अल्लाह के जुमले हैं कि हमारे दिल मोहब्बत सिद्दीकी से सरशार रहे मोहब्बत फारूकी से सरशार रहे इसी अनुमान के तहत आज के प्रोग्राम का इंतखाब किया गया कि रोहा माऊबैना हम इनकी बाहमी महबतें अहबाब के सामने रखी जाए और लोगों को और खास कर नौजवानों को दावते फिकर दी जाए कि किसी के पीछे लग के सिबा के मामला को डिस्कस न करना अगर बयान करनी है तो इनकी अजमत बयान करनी है अगर बयान करनी है तो इनके खसाइस करने हैं अगर बयान करनी है तो इनकी खूबियां बयान करनी फरमाया कि इन्होंने खलाफत का हक अदा किया हजरत बकर सदीक रजी अल्लाह वो शख्स हैं जिनको अल्लाह ने हजरत जबरील और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सिद्दीक कहा नमाज की इमामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इन्होंने करवाई ये बार बार दरस दिए जा रहे हैं और एक जुमला सुने जो अहम तरीन है फरमाया लोगो अबू बकर मेरी रसूल की आंखें भी थे मेरे रसूल के कान भी थे और उमर मेरे रसूल की आंखें थे गोया के जो सिद्दीक देखता और सुनता था ना और आके बता देता था Allah के रसूल ऐसे ही समझते थे कि वो मैंने देखा है और वो मैंने सुना है जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम की इज्जत अजमत पे पहरा देने के लिए खदमाते सिद्दीकी को यह भी इबारत है हजरत अली खुतबात से जो हजरत अली रजियाल बलागा के अंदर शामिल हैं कि हजरत अबकर सिद्दीक रजी अल्लाह हो कि हयात तय्यबा पे दीमे दर में कदम सुखने हजरत अली खुतबा देते रहते थे तो शान सिद्दीकी बयान करना शाह ने फारूकी बयान करना सिहाबा की बाहमी मोहब्बत कर, तस्करा करना यह हजरत अली रजी अल्लाह का पसंदीदा अमल है आप सबको यह बातें मालूम है कि हजरत अली रजी अल्लाह तौकी घर के अंदर दो जो बच्चे पैदा हुए हज़रत हसन और हज़रत हुसैन सबसे पहले कौन पैदा हुए हज़रत हसन रजी अल्लाह त और बीवी का नाम क्या है हज़रत तो फ़ातिमा रजी अल्लाह तजरत अली रज़ी अल्लाह तह का रिश्ता हज़रत रसूल्ला के पास लेके कौन आया था हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तुआ और आके कहा कि इमाम कौन आन मैं फ़ातिमा के रिश्ते के लिए आया कहा किसके लिए आए कहा अली के लिए आया अली के लिए आया इस रिश्ते को करवाने वाला कौन सिद्धिक रोहमाऊना हूं रिश्ता तय पा गया रिश्ता तय पा गया हजरत आयशा सिद्दीका तहरा मुताहेरा फरमाती के मुझे अली और फातिमा की शादी की इतनी खुशी हुई और ऐसा कौन है की बेटी उम्मुल मोमिनीन इतनी खुशी हुई कि मैंने इस खुशी में पूरे घर की लपाई की अपने हाथों से अपने हाथों से लपाई की और तोइया पंजाबी में तोइयां होता है दीवारों पे रंग के साथ हल्के फुलके से खूबसूरत नक्शो निगार बना दिए जाते पूरे घर को मैंने साफ सुथरा किया के अली फातिमा के लिए और फातिमा अली के लिए और जिस वक्त सयदा ये काम कर रही थी दर्जे के एतबार से माँ के मुकाम पर फाइज थी लेकिन उम्र के एतबार से सैदा फातिमा से छोटी थी वो समझती थी इस बात को कि मुझे अल्लाह ने यह एजाज दिया मैं मां बनू और जो सामान अल्लाह के रसूल सल्म ने रवाना किया वो आयशा ने अपने हाथों से तैयार किया हजरत हजरतर सिद्दीक रजी अल्लाह तशरीफ लाए और हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह रजील्ला से पूछा अली शादी का मौका है कुछ चीजें खरीद लें घर के लिए कहां का से खरीदें फरमाया आओ मेरे साथ आओ उधर से बेटी रवाना कर रही है इधर से बाप अली को लेकर बाजार में गया है कि रसूल की बेटी आने वाली है घर की चीजें खरीदो सबसे पहली शॉपिंग अमीर उलमोमिन हाँ। जरतमर को जिसने करवाई वो मेरा था अल्लाह ने बेटा दिया बेटे का नाम हजरत हरब रखा रसूल सल्ह ने पूछा भी क्या नाम रखा है फरमायाल्ला हरब फरमाया नहीं ये तो हसन है ये तो ये तो ये तो और सबसे पहले हजरत हसन को उठा के रसूल की बारगाह में जो लेके आया वो सिद्दी की बेटी असमा थी रजी अल्लाह कपड़े में लपेट के पैगंबर की बारगाह में हजरत हसन रजी अल्लाह तों को जो रसूल के पास लेके आया वो कौन था हजरत आसमा थी और इन्हीं के हाथ से पकड़ के मेरे मोहम्मद सल्ला वम ने हसन के मुँह में उनके मुँह मुबारक में अपनी जुबान दी थी और हज़रत अली रजील्ला फरमाया करते थे कि मेरे से तो असमा बाजी ले गई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला की बारगाह में बेटा मेरा और लाने वाली कौन हजरत आसमा रजी अल्लाह घर में पकड़ करके फौरी तौर पर पहले लिबास का बंदोबस्त करने वाली कौन ऐशा सिद्दीका रो हमाऊ रो हमाऊ अबकर सिद्दीक रजी अल्लाह तलाफत में हजरत अलीअरतजाकिया हलिया मोहतरमा सयदा फातिमा रजी तीमार हुई हजरत की बीवी का नाम था आसमा एक बेटी का नाम आसमा था एक बीवी का नाम आसमा था आसमा बिनते उमैस ये बीवी हैं और आसमा बिनते अभी बकर ये बेटी हैं असमा बिनते उमैस को कहा कि जाओ खैमा आबारी के घर में लगाओ तुम अमीर उमोमिन की बीवी होके फातिमा का ख्याल रखोगी चूंकि फातिमा बीमार है फातिमा बीमार है हजरत अली रजी अल्लाह के घर में हजरत फातिमा की खिदमत के लिए किसने छोड़ा अपनी बीवी को हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह और जब हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह रजियाल्ला इंतकाल फरमा गई दो रिवायात हैं एक ये है कि हजरत अली ने गुसल दिया और एक ये कि हजरत असमा ने गुसल दिया है सैयदा फातिमा रजियाल्ला को रात का वक़्त था जनाजे के लिए लोग इकट्ठे हो गए बीवी ने फौरी पैगाम दे दिया औ बकर भी तशरीफ ले आए रजी अल्लाह तनाजे की बारी आई सिका और ज्यादा मोहतमद अलह रिवायात और कसीर तादाद में जब दो रिवायात सही हूं और दोनों आपस में टकरा रही हूं जिसकी सनत ज्यादा हूं तो उसको कबूल कर लिया जाता है उसको कबूल कर लिया जाता है मैं मिसाल देता हूं सादी सी आपके सामने कि मुस्लिम और बुखारी अबूदाउदिबन माजा इन सारी किताबों के अंदर अहदी सही हैं और दूसरी चार के अंदर कुछ रिवायात जीफ़ भी हैं सारी सही रिवायात अगर एक दूसरे के मुखालिफ आ जाए मसलन तिरमिजी शरीफ के अंदर तीन रिवायात हों एक मौजू की और तीनों सही हों और बुखारी शरीफ में भी एक रिवायत हो जिसका मफहूम उसके खिलाफ हो तो जिसकी सनदें ज्यादा होंगी उसको कबूल कर लिया जाएगा जत अली रजी अल्लाह तजरत बकर सिद्दीक ने जनाजा पढ़ाने का कहा तो हजरत की कसम जिस सफ़ के अंदर अबू बकर मौजूद हो वहां कोई दूसरा इमामत करवा सकता नहीं, नहीं। अगर कोई इमामत करवा सकता सिद्दीक के होते हुए तो वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूल की जाते गिरामी कदर थी ए बकर आप ही आप ही आप ही फातिमा का जनाजा पढ़ाएंगे अल्लाह की कसम आप ही फातिमा का जनाजा पढ़ाएंगे अल्लाह की कसम आप ही फातिमा का जनाजा पढ़ाएंगे जलाल में आके ये कहते रहे, ने बाजू पकड़ के अकबर को आगे कर दिया बकर रजी की वफात के बाद यजीद, उमैस बेवा हो गई और इस असमा बिनते घर में एक बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था मोहम्मद रजी अल्लाह त किसका बेटा था हजरत अबू बकर सिद्दीक का फिर हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला तन की वफात के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला भी शादी नहीं हुई थी दो साल के करीब अरसे के बाद हजरत बकर सिद्दीक की वफात हो गई तो हज़रत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला हो की वफात के बाद हज़रत असमा बिनत उमैस की शादी हज़रत अली अल मुर्तजा से हो गई हज़रत असमा बिनत उमैस की शादी किससे हो गई हजरत अली अल मुर्तजा से हो गई बेटा सिद्दीक का पला अली के घर में बिन कर ये वही मोहम्मद बिन अबी बकर है जिसको हजरत अली ने मिस्र का गवर्नर बनाया था और ये मोहम्मद बिन अबी बकर हजरत अली लश्कर में शामिल थे और हजरत अली रजियाल्लाम शहादत नोश किया इनकी मोहब्बतें इनके प्यार इनके इकराम ये दो बेटे थे हसन और हुसैन

अबू बकर के नाम पे, उमर के नाम पे, उस्मान के नाम पे, अब्बास के नाम पे और ये सारे बेटे हजरत मुर्तजा रजी अल्लाह ताला हो के मैदान करबला में शहीद हुए किसके साथ हजरत हुसैन रजी अल्लाह तन हो के साथ हजरत हुसैन रजी अल्लाह तु के बेटे इमाम जैनदीन का आपने नाम सुना होगा सब ने सुना है ना जैनदीन का असल नाम है मोहम्मद क्या नाम है थक तो नहीं गए क्या नाम है क्या नाम ऊँची वहां से किसके बेटे हुसैन के बेटे नाम क्या है कभी नहीं लेंगे इमाम जैनदीन के दो भाई बड़ा अबू बकर उससे छोटा उमर हजरत हुसैन के बेटे दोनों करबला में शहीद हुए हजरत हसन रजी अल्लाह तुम को दो बेटे अल्लाह गए अल्लाह पहले का नाम अबू बकर दूसरे का नाम उमर हजरत इमाम जैनदीन रहमतुल्ल रहा इनके घर में एक बेटा पैदा हुआ उसका नाम भी मोहम्मद रखा जिनको मोहम्मद बाकर कहते हैं और एक बेटी पैदा हुई उसका नाम ऐशा रखा फिर अल्लाह ने बेटी दी उसका नाम खदीजा रखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अल्ला के दो बेटे एक का नाम अब्दुलरहमान और एक का नाम मोहम्मद ये दोनों सिद्दीक के बेटे रजी अल्लाह तन आपस में भाई हज़रत अब्दुलरहमान जो बकर रजी अल्लाह त के बेटे हैं ना इनकी दो बेटियां थी एक बेटी का नाम असमा था एक का नाम हफ्सा था असमा की शादी इस अब्दुल रहमान ने अपने भाई मोहम्मद के बेटे कासम से कर दी और हफ्सा की शादी अब्दुल रहमान ने अपनी बेटी की जो सिद्दीक का बेटा है और हफ्सा सिद्दीक की पोती है हजरत हसन से कर दी हसन रजियाल्ला इमाम है अहले बैत के इमाम है और हजरत बकर सिद्दीक रजियाल्ला तन और अहले बैत के नाना लगते हैं

बंदे को खुदा की अदालत में सबसे बड़ा मुजरम बना के खड़ा करेंगे उन गुनाहों में से एक गुना यह भी है कि कोई शख्स अपने बाप को गाली निकाले हजरत इमाम बाकर फरमाते हैं कि कोई शख्स यह गवारा कर सकता थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं बात समझ आएगी बात इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा चंद और वाकयात बयान करते हुए हजरत अब्दुलरहमान ने अपनी बेटी हफ्सा की शादी किससे की हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हों से हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हों के घर में जो हफ्सा है हफ्सा का दादा कौन है अबू बकर और दूसरी बेटी असमा की शादी मोहम्मद के बेटे कासम से कर दी और कासम से अल्लाह ने दो बेटियां दी फरवा और उम्मे हकीम उम्मे हकीम की शादी फिर हजरत जाफरी बिन अबी तालिब के पोते से हुई जिनका नाम इसहाक था, था।, था। और उम्मे फरवा की शादी इमाम जैन आबेदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाकर से हुई सिद्दीक दादा लगते हैं हैं और एक तरफ से नाना लगते हजरात इमाम जाफर सादक किसके बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकर के और इमाम जाफर सादक वालदा का नाम क्या है उम्मे फरवा उम्मे फरवा किसकी बेटी है उम्मे फरवा हजरत अबकर अब सिद्दीक रजी अल्लाह बेटे की बेटी है और एक तरफ से अब्दुलरहमान की बेटी की बेटी है एक तरफ से सिद्दीक अकबर इस घराने के नाना जान है और एक तरफ से सिद्दीक अकबर इस घराने के दादा जान है आपने इन आइमा के नाम सुने और कभी इनकी रिश्तेदारियों पर गौर करें बकर सिदीक रजी अल्ला की रिश्तेदारियां आपके सामने रखो तो काफी सारा हमें टाइम चाहिए इसके बाद फिर मेरे उम्र की बारी आती है फिर मेरे उस्मान की बारी आती है नतीजा यही निकलता है रोहमाओ हो हल्का यारा तो बेशम की तरह नर्म रजम हको बात हो तो फौलाद है और सुनो जो तुम कहते हो कि मुझे कोई खास बात अल्लाह के रसूल ने बतला दी हाँ अबूदा शरीफ की रिवायत है अल्लाह के रसूल ने मुझे कुछ बातें बतलाई थी अगर तुमने सवाल किया है तो सुनो मुझे अल्लाह के रसूल ने फरमाया थे आली, जो बंदा अल्लाह को छोड़ के किसी गैर के नाम पर जनवर जिबा करेगा उस पर अल्लाह की लानतेजी जो शख्स मन आनानतुल्ला जो किसी बिदी आदमी की इज्जत करेगा बेदीन आदमी की इज्जत करेगा दीन की शक्ल बिगाड़ने वाले की इज्जत करेगा उस पे अल्लाह की लानत है चार बातें अल्लाह के रसूल ने बतलाई और चौथे नंबर पे ये फरमाया ए अली जो बंदा अपने बाप को गाली देगा उस पे अल्लाह की लानत है वह अलह ही लानत मनगैयर अर्ज जो जमीन के निशानात बदलने की कोशिश करेगा उस पे अल्लाह की लानत है जो इस्लाम के निशानात बदलने की कोशिश करे वो कितना बड़ा मुजरम हो सकता है ये बातें थी जो मुझको जनाब मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने फरमाई मुझे इरशाद की और मैंने वो बातें अपने पास महफूज रखी और लोगों सुनो ये बात भी सुने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हज़रत मुर्तजा रजी अल्लाह ने अगर कोई शख्स ये कहता है कि अल्लाह के रसूल ने दीन की कोई बात छुपा के मुझे दे दी और किसी और को नहीं बतलाई तो मैं अली कहता हूं वो अल्लाह के रसूल की ज़ात पे इल्ज़ाम लगाता है और अल्लाह की कसम अहबू इलैया मेरे नज़दीक ज्यादा महबूब है कि मैं आसमान से नीचे गिर जाऊं बिस्बत इसके मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाते जिरमी कदर पे झूठ बोलू अल्लाह की कसम मैं आसमान से गिर के परखचे होना तो गवारा कर सकता हूं मैं इमामे कौनैन की तरफ किसी झूठी बात की नस्बत कर सकता किसी झूठी बात की नस्बत कर सकता नहीं अल्लाह के रसूल सल्लासम ने मेरे हवाले से जो बातें बतलाई वो पूरी दुनिया जानती है और अगर कोई शख्स ये कहता है कि रसूलुल्लाह ने दीन की कोई बात छुपा के मुझे दे दी वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाते गिरामी कदर पे झूठ बांधता है और जो अल्लाह के रसूल की जात पे झूठ बोलता है उसका ठिकाना जहन्नुम है इस हदीस के रावी जनाब अली रजी अल्लाह तजीजा ने गिरामी जब हकाय कितने आपके पास हैं और मेरी आपकी ये जिम्मेदारी है कि दलील हमेशा अपना वजन रखती है और दलील हमेशा जीत जाती है दलील अपना असर और रंग रखती है यह जरूरी नहीं कि जिन दिनों में उन्होंने नाउज बिल्ला बुरा कहना है उन्हीं दिनों में हमने अच्छा कहना है उन्हीं दिनों में जज्बात उन्हीं दिनों में अफरा तफरी और उन्हीं दिनों में एतराजात नहीं सिहाबा इक्राम की हस्तियां हक रखती हैं कि सारा साल इनके तजकरे किए जाए सारा साल दीन की जरूरत है हर हदीस के रावी से हाबी हैं हर अमल के रावी से हाबी हैं अलैहि वसल्लम के पूरे उसवे के रावी से हाबी अल्लाह ताला ने इनको रजी अल्लाह रजू अन का एजाज दिया ये भी बात सुन लें पहले नंबर पे फरमाया उलाई ईमान जिनको रजी अल्लाह का एजाज मिला है ना

फरिश्तों के साथ इनकी मदद फरमाई व युद्ध खिलु हम जन्नात इन तजरी अल्लाह ने इनको हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर दिया क्यों रजी अल्लाहम अल्लाह इनसे राजी हो गया ये से खुश हो गए हिजबल लोगो ये अल्लाह का गिरोह है कामयाब गिरो है अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो इनके ईमान जैसा ईमान लेके आओ इनके इस्लाम जैसा इस्लाम लेके आओ इनके अमल जैसा अमल लेके आओ ये खुदा के

तो तब भी आपने यह तस्वी हाथ की थी फरमाया हाँ उस रात भी जो अल्लाह के रसूल ने मेरी ड्यूटी लगाई थी मैंने उस ड्यूटी को पूरा किया था और जब जनाब मोहम्मद रसूल सल्हलम दुनिया से गए ये बात सुने अबूदाउ शरीफ की सैयदीस है फरमाती हजरत की रूख अफसे अंसरी से प्रवाद कर गई और मेरे महबूब का रुख अनवर आपका सरे अकदस मेरी थोड़ी और चाथी के दरमियान था आप ही सलाम का हाथ एक तरफ को झुका और मैंने समझा मामूली सी गुनूद की तारी हुई लेकिन आपके जजदे अतहर से खुशबू फूटी जिस खुशबू ने मदीने को महत्तर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम के गाल मुबारक से हल्का सा ले नीचे को आया मैंने उसको हाथ से छुआ हजरत अल्लाह तआला अनहा फरमाती मेरे हाथ को भी वो लगा और जब तक मैं सलामत रही और मेरा हाथ मेरे साथ रहा उस हाथ से खुशबू न गई अल्लाह ताला ने, जब मैंने देखा कि आपकी रूह कफ से अंसरी से प्रवास कर गई मेरी दुनिया अंधेर हो गई मेरा जहान लुट गया और मैं उस वक्ती उबाल में रोई और मेरे भाई अब्दुल रहमान आए उनसे चादर धारी लेकर लेके कायनात के जसद पे डाली गई सगिदना सदी के अकबर रजी अल्लाह तशरीफ़ लाए आप ही के रुखे जैबा से कपड़ा साइड पे किया और फरमाया अल्लाह आप पे दो मौतें जमा नहीं करेगा जो लिखी थी वो आ चुकी मन कानी फाइनादन कदम कुम्याब्ला फ़ाइनल अल्लाह को जो पूछता था वो समझ ले अल्लाहल देने की बारी आई तो सहाबा इक्राम रिजवानी के दरम्यान हज़रत अली रज़ी तन गसल देने के लिए आगे बढ़े फजल अब्बास रिजवानजमाइन कबाइल के दरमियान आवाज़ ऊँची हुई भी हमें भी शरफ़ मिलना चाहिए हमें भी नबत के लिए हमें भी ये एजाज़ मिलना चाहिए अल्लाह तैगम्बर आलही की वफात के मराहल को कायनात के लिए नमूना बनाना था इसलिए उस अरश वाले ने खलीफा का इंतब करवा दिया ताकि अमीर जैसे हुक्म देता जाए वैसे होता जाए तमाम मामला हुक्म के मुताबिक होते रहे और जब गुसल देने की बारी आई तो कुछ ने कहा कि ये जो जिसम पे कपड़ा पहना हुआ है अबू दाऊद शरीफ की हदीस है लिबास इसे उतारना है या गुसल देने के बाद कफन जब पहनाना है तब उतारना है इसमें अभी थोड़ा सा अख्तिलाफ हुआ था तो हजरत याशर रजी अल्लाह तरमाती अल्ला ने सब पे नींद तारी कर दी आसमान की तरफ से अल्लाह ने नींद भेजी और इन सब पे नींद तारी हो गई और जो गुसल देने के लिए बैठे थे सारे सो गए हत्या के सब की ठोड़ियां घुटनों से लग गई गोडों से और गहरी नींद आ गई सबको गहरी नींद के बाद जब उठे तो घर के कोने से एक गैबी आवाज आई कि इमामे कौन है इनको गुसल कपड़े उतारने के बगैर ही दिया जाएगा इन तमाम तर मामला की निगरानी कौन कर रहा है कौन कर रहा है और इस कफन में गुसल देने के मामले से पहले सिद्दीकी अकबर का इंतखाब हो चुका था अगर गलत होता तो नींद आ जाती आवाज आ जाती सयदा से पूछा गया सयदी से कि आपको मालूम था कि वो आवाज किसकी थी फरमाने लगी नहीं पता नहीं आवाज किसकी थी कोई हाथफे गैबी लगता था कोई हाथफे गैबी लगता था और फिर जब वो आवाज आई उस आवाज के मुताबिक अमल किया गया और इमाम कौन आल सलात वाम को गुसल दिया गया और तीन कपड़ों के अंदर रहमते सलात को कोई चीज सिली हुई ना थी उनके अंदर पगड़ी ना थी और हजरत रसूल की हदीस जो आपने एक टुकड़ा सुना है आज पूरी सुने पूरी सुने ईमान को ताजा करें फरमाया रसूल सलम ने तिरमजी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह जिस जगह को पसंद करता है ना उस जगह पे नबी को मौत देता है जिस जगह को अल्लाह पसंद करता है नबी की वफात है। वहां होती है और वो जगह कौन सी थी हुए ऐशा रजी अल्लाह ये खरीदी किसने थी भला सैद ना बोले हजरत नहीं नहीं उस्मान नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह खरीदी सहल और सुहैल को कीमत किसने अदा की ये इन दोनों बच्चों की थी जमीन किसने खरीदी हजरत अबू बकर सिद्दीक बकरी अल्लाह नो और मेरा रसूल अपनी खुशी से इस हुजरे में आया उम्मा हातुल उलमोमिन से इजाज़त ली आप हुक्म भी दे सकते थे लेकिन आपने मशवरा किया कि मैं आयशा के हुजरे में जाना चाहता हूँ सब ने बतीबे खातिर खुशी, खुशी खुशी इजाज़त दे दी और हजरत रसुल्ला वसम ने अपने आखिरी अयााम हुजरा ऐशा में गुजारे लोगो ये कानून है खुदा का जिस जगह को अल्लाह पसंद करता है उस जगह पर नबी की वफात होती और जिस जगह पे नबी की वफात होती है उस जगह पे नबी की उस जगह पे नबी की उस जगह पे नबी की खबर बनती इमाम कौन वफात से दो दिन पहले तीन दिन पहले शरीफ में तशरीफ लाए का ला। लोगो अल्लाहूद ना का बेड़ा गरक करे इतना खजू कबू राम बिया मसाजेदा इन्होंने नबियों की कबरों को सजदे करने शुरू कर दिए मुझ मोहम्मद की कबर को अल्लाह सजदा गाना बनने देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीका उमुल मोमिनी नायशा सिद्दीक़ा फरमाती के सबसे बढ़ के मोहब्बत करने वाले अगर मैंने किसी को रसूलुल्लाह से पाया तो वो रसूलुल्लाह के सहाबा थे जो आपकी जिंदगी में ईमान ला चुके और हजरत मोहम्मद के बेटे कासम फरमाते कई साल के बाद एक रिवायत में छः साल के बाद मैं आया तो मैंने अपनी नानी से यह गुजारिश की कि आप रामते कायनात का, का हुजरा खोल के मुझे कबर की जियारत करने का मौका दें तो मैंने रहमत कायनात की कबर को देखा वो थोड़ी सी ऊपर को उठी हुई और कच्ची थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सहाबा ने सीने से लगाया अबू बकर की कबर भी ऐसी थी और फिर जब उमर फारूक रजी अल्लाह की शहादत हुई उन्हीं की कबर भी ऐसी बनाई गई इन सहाबा ने अल्लाह के रसूल के दीन को फॉलो करके अमल करके दिखाया है। आगे आजदावत फिक्र देता हूं हर किस्म का इख्लाफ छोड़िए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों पे जिन नफूस ने पहरा दिया है, उनसे बातें लेके मैं आपने अमल करना है और आपको मालूम है कि बड़े बड़े दुख आए सिबा की जिंदगी में तकालीफ आई सब किसका रुख करते रहे किसका रुख करते रहे किसका रुख करते रहे किसके दरबार पे झुकते रहे दुआएं किससे मांगते रहे वो रसूलुल्लाह की कब्र पे क्यों नहीं आते थे के रसूलुल्लाह रोक के गए थे सबसे बढ़ के रसूल की बात की लाज रखने वाला गिरो अगर कोई कायनात में था तो वो मेरे मोहम्मद के सहाबा थे रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन हो हल्का यारां तो बरेशम की तरह नर्म रज़्म हक़ को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन कुरान ने उनकी गवाही दी है रोहामा उबैन हम ये आपस के अंदर रहीम थे आपस के अंदर शफीक थे एक दूसरे के साथ इनके मामल अगर तमाम तर से हाबा कराम की तबारीख़ आप के सामने रखें तो ये तवालत हो जाएगी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मैंने बातें की हैं अल्लाह ताला इनको सुन के मेरे आपके कलबुजिगर में सिबा की महब्बत को पैदा फ़रमाएँ हज़रा से हाबा कराम रजवानल मजमाइन की उल्फ़त को हमारे रगोपय में पैदा फरमाए और अल्लाह इनकी चौखट इनकी इज्जत और इनकी हरमत पे पहरा देने की हमें तोफीक दे और अपने घरों में सिहबा कराम की सीरत के हवाले से ज़रूर कोई ना कोई किताब रखें दारुस्म की एक किताब है दो जल्दों में हज़रा से हाबा कराम रिजवान मजमाइन की सीरतों पर इंतहाई खूबसूरत वर के साथ छपी है वह जरूर लेके रखें उसमें छोटे छोटे वाकत हैं सीरत आयशा रजी अल्लाह ताला पे नदवी साहब की किताब है इंतहाई मज़ेदार किताब है इंतहाई लजीज किताब है हल्के फुल के जो इख्तिलाफ़ हैं उनको भी उन्होंने इस नज़रिए से डिस्कस किया है कि उनको सुन के भी बंदे के दिल में ईमान बढ़ता है इसी तरह हज़रतबकर रज़ी उन पे दो जिल्दों की किताब है महमद महमद सलाबी अरबी के ये मुसनफ़ और मौरक़ हैं और इसका तर्जमा हो चुका है इसी तरह दो जिल्दों में जनाब अब्बकर के बाद उमर हज़ स्स्मान उमर और ऊस्मान उस, पे और इसी तरह हज़रत अली रजी अल्ल् ते दार्लाम की किताबों का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इन्होंने तहकीक़ के मैारा पूरे रखे सही तरीन वाक़ा जो तबारीख़े हैं वो इन किताबों के अंदर क़लम बंद किए और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज़रत सैद इबन मसैब हज़रत बड़े बड़े मुहदसिन फरमाते हैं कि हम अपने औलाद के दिल के अंदर अपने घरों में मजरसें लगा के सिहबा की मोहब्बत को पैदा करने के लिए अहतमाम किया करते थे हमारे यहाँ ये अहतमाम होता था कि सहबा कराम रिजवान मजमाइन की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में पैदा की जाए और उनके वाकयात सुनाए जाएँ और उनकी खिदमात और उनकी क़ुरबानियाँ सुनाई जाएँ ये साहबा के बाद तबयीन करते रहे और ताबीन के बाद तबाह ताबीन करते रहे क्यों ना करना चाहिए आपने फ़रमाया अल्लाह राज़ी उस बंदे पे जहन्नु महराम और जन्नत वाजब है जिसने हालत ईमान में मुझे देखा है या उसको देखा है जिसने मुझे देखा है अल्लाह तमें ईमान वालों की सफ में रखे सिहाबा के बारे हमारे हमेशा दिल साफ़ रहने चाहिए कोई शख्स अगर ये जुरत करे कि किसी इख्तलाफ को छेड़ के मेरे दिल में किसी का मुकाम कम करने की कोशिश करे अल्लाह ऐसे फ़ितने से मुझे अपनी ज़िंदगी में महफूज फ़रमाए अकुल कोलिहाजा तकफरलिकुमर मुस्लिमी